ये किस नए संकट के संकेत हैं? विश्वास नहीं होता, इस बालक ने सचमुच वासुकी नाग को हरा दिया। पार्वती की शक्ति के प्रताप से वासुकी का विशाल आकार भी छोटा हो गया और अब ये बालक इतने महान नाग के साथ एक खिलौने की तरह व्यवहार कर रहा है। महादेव को समाधि से जगाना आसान नहीं है और यदि वो क्रोध में जागे तो ना जाने इस बालक का क्या होगा। क्या कोई ऐसा नहीं है जो इस अहंकारी का हट छुड़वा पाए? अब इस बालक की उदंडता अति की सीमा को लांघ चुकी है, अब मुझे जाना ही होगा। प्रभु, स्वयं महादेव और सखी पार्वती उस बालक के माता पिता और वो दोनों अपने पुत्र को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए पूरी तरह सक्षम। मुझे नहीं लगता कि इस समय आपको हस्तक्षेप करना चाहिए, कहीं बात सुलझने के बदले बिगड़ ना जाए। परमा, ये भी तो संभव नहीं है कि प्रभु शांत रहकर महादेव और उनके भक्तों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होते हुए देखते रहें। यदि समय रहते हुए इस बालक और इसकी शक्ति को नहीं रोका गया तो समस्त संसार का संतुलन नष्ट हो जाएगा। मैं समझती हूँ देवर्षि, और देवराज इंद्र भी इस बात को समझते। देखिए, वो सभी देवताओं के साथ इस बालक को समझाने के लिए पहुंच गए। मैंने कितने प्यार से सुताया था मुझे, पर इन सबको पाठ पढ़ाने में सारे वस्त्र गंदे हो गए। माँ को कितना बुरा लगेगा। सचमुच इस बहरूपी में कुछ तो विशेष है, जो कभी पशु युद्ध करने आ जाते हैं तो कभी दिव्य प्राणी। वैसे आप सब है कौन? मैं हूँ देवराज इंद्र। और मैं हूँ अग्निदेव। और मैं हूँ वायुदेव। और मैं हूँ वरुण देव। और हम सभी हैं देवगण। तुम अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहे हो बालक, ये बहुत ही अच्छी बात है, पर अपनी माँ की आज्ञा के आगे किसी और की बात ना सुनना ये अनुचित है। तुम महादेव को जानने का प्रयास तो करो, स्वयं जान जाओगे कि वो कौन है और तुम्हें उन्हें क्यों नहीं रोकना चाहिए। जो मेरी माँ के आदेश का पालन करने का इच्छुक नहीं है
उसे जानने में मेरी कोई रुचि नहीं है। जिस भैरूपी का पक्ष लेकर आप सब यहाँ आए हैं, वो केवल विचित्र वेश धरने में पारगत नहीं है, काम पुरुष भी है। स्वयं तो आंखें मूंदकर ऐसे बैठ गए हैं जैसे उन्हें किसी बात से कोई अंतर ही नहीं पड़ता, पर कुछ ही समय के अंतराल में बार बार किसी न किसी को युद्ध करने के लिए भेज देते हैं वो। बालक, तुम महादेव को समझने में बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तो उसे सुधारने के लिए मेरी माँ है। तुम्हें मेरी भूल सुधारने का अधिकार किसने दिया? उन बलवासी बाबा के पक्षकार बनना बंद करो। जीवा संभाल कर बात करो बालक। जिस जीवन का उपयोग तो मुझे उद्देश्य देने के लिए कर रहे हो, उसे अपने मुख के भीतर ही रखो और अपने कानों के पट खोल कर मेरी बात सुनो। ये द्वार तब तक नहीं खुलेगा जब तक मेरी माँ इन्हें खोलने की आज्ञा न दे। इसलिए उल्टे सीधे तर्क देकर उन भैरवी बाबा को पक्ष लेना बंद करो और उल्टे पैर लौट जाओ उनके पास। बालक, तुम हठी तो हो ही, साथ ही उदंड भी हो। यदि तुमने इस क्षण हमारी बात नहीं मानी तो हमें अपने बल का प्रयोग करना ही होगा। तो प्रतिशत किस लिए कर रहे हो? मूरत निकलाऊं क्या? बालक, मेरे अग्नि का प्रभाव इस डंडे पर क्यों नहीं हो रहा है? कौन है ये बालक जो अग्नि देव के इतने भीषण प्रहार को भी विफल कर रहा है? मेरी वायु की तीव्र शक्ति से आक्रमण करूंगा मैं। इस बालक ने देवताओं का अपमान कर उन्हें क्रोधित कर उनसे भी युद्ध करने लगा। मैंने अभी अभी प्रभु को शांत कराया है, यदि इनका क्रोध पुनः जागृत हुआ तो न जाने ये युद्ध कितना बड़ा रूप लेगा। इस बालक पर तो वायुदेव के वार का भी कोई असर नहीं पड़ा। सारे देवताओं के प्रहारों का प्रतिउत्तर ये बालक बहुत ही सरलता से दे रहा है, किंतु कैसे? एक
इतने सारे देवते उन्हें मना कर रहे थे, महादेव के पक्ष से उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे, फिर भी बाल गणेश के मन में यह शंका क्यों नहीं आई कि वो कुछ अनुचित कर रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कोई अनुचित कार्य या पाप कर रहा होता है, तब तब वो अपनी अंतरात्मा की पुकार को अनसुना करता है। तुझे पता है मुझे कैसे पता चला? जब भी मैं तेरे साथ या विंता के साथ कुछ भी अनुचित करती थी, तब तब मेरी अंतरात्मा मुझे टोकती थी, मुझे रोकती थी, किंतु मैंने कभी उसका सुझाव ही नहीं माना। तुम्हारे स्वामी जिनका हृदय इतना शुद्ध है कि देवता भी उनसे परामर्श लेते हैं, उन्होंने भी तुम्हें समझाया कि गरुड़ उसकी माँ को मुक्त कर दो, किंतु तुम उनके सुझाव के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रही हो। तुम भूल रही हो खतरो, जो अन्य व्यक्तियों के लिए विपदा उत्पन्न करता है, उन्हें स्वयं भी उसी विपदा का सामना करना पड़ता है। आज तुम विंता के पुत्र को संकट में डालना चाहती हो, पर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पुत्र ही तुम्हारे बनाए हुए जाल में फंस जाए। आप सत्य कह रही हैं देव, किंतु एक सत्य और भी कि उचित और अनुचित का अंतर जानने के लिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है, किंतु गणेश उस समय इतने अभिमानी हो गए थे कि वो ज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे। ने बिछाए चक्रव्यूह में घिर गए थे, परंतु अपनी भूल का आभास तक नहीं कर पा रहे थे। इस बालक में अहंकार पूर्ण तरह से बस गया और इस अहंकार के अंधकार में खोकर ये बालक देवताओं से भी लड़ रहा है, ये उचित नहीं। हे नारायण, अब आपको हस्तक्षेप करना ही होगा। यदि इस बालक को ना रोका गया तो इसकी शक्ति निरंतर बढ़ती जाएगी और एक समय पर इसे नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। यदि प्रभु ने हस्तक्षेप किया तो ये युद्ध न जाने क्या रूप ले लेगा, और यदि उन्होंने क्रोधवश सुदर्शन चक्र का आह्वान किया तो कीजिए प्रभु, शीघ्र ही, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। देवराज इंद्र ने अपने वज्र का आह्वान कर ही लिया है। आ!
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कैसी शक्ति है इसके दंड में जिसने मेरे वज्र का प्रभाव भी विफल कर दिया। बस बहुत हुआ, देवताओं की रक्षा करना मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म का पालन अवश्य करूंगा। प्रभु तुम देव प्रभु विष्णु और महादेव अर्थात त्रिदेव एक ही समय पे एक ही स्थान पर एक ही शक्ति के विरुद्ध, अब क्या होगा मां? देवता भी पराजित हो गए, यहां तक कि देवराज भी असफल हो गए, ये कैसे संभव है? ये सभी हताश हो चुके थे पर अब नई शक्ति नई आशा के साथ फिर से खड़े हो गए, ऐसा कौन आ रहा है अब? इस बालक के कारण आज ब्रह्मदेव प्रभु विष्णु और महादेव एक ही स्थान पर एक ही समय पर एकत्रित हो गए। इतिहास साक्षी है, जब जब ऐसा हुआ है तब तक कोई अकल्पनीय घटना घटी है। मुझे भय है माँ कि इतिहास कहीं अपने आप को फिर से दोहरा तो नहीं रहा है। बस यही आशा करती हूँ कि ब्रह्मदेव और प्रभु इसे इसकी भूल समझा पाए और ये उसे सुधार ले ताकि महादेव को अपनी तपस्या से उठने की आवश्यकता नहीं। यदि महादेव को ज्ञात हो गया कि उस बालक ने उनके गणों के साथ अहित किया है तो उनके क्रोध का समुद्र अपनी सीमा तोड़ देगा, और यदि वो सखी पार्वती के परम प्रिय पुत्र पर क्रोधित हो गए तो सखी पार्वती क्या करेगी इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती।